हदीसे मुरसला हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये देखिए, आज ज़िलहिज की दो तारीख़ें यहाँ पर देखिए, और ये ज़िलहिज की तारीख़ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ चूँकि बहुत सारे लोगों में ये गलत बात फैली हुई है कि ज़िलहिज का जब चाँद नज़र आ जाए तो फिर उसके बाद बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। हालांकि अगर आप देखेंगे तो मेरे नाखून जो है वो काफ़ी बड़े बड़े हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये इतने ज़्यादा बड़े हो रहे हैं कि मतलब इनमें गंदगी वगैरह जो है फंसने का मुझे डर है। तो मैं प्रैक्टिकली आज आपको दिखाता हूँ कि ज़िलहिज में नाखून काट सकते हैं। ना काटना अगरचे बेहतर है कि जो कुर्बानी करे वो नाखून ना काटे, लेकिन चूँकि ज़रूरत है तो ज़रूरत के बिना पर काट सकते हैं। अब देखिए, मैं ये नाखून काट रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मेरे नाखून काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं और हो सकता है कि इनमें गंदगी वगैरह अटक जाए, जैसे बहुत सारे लोग हैं। ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़े बड़े नाखून हो रहे हैं। जितना वाइट वाला जो ये हिस्सा है, तो ये एक एतबार से यूँ समझ लीजिए कि ये एक्स्ट्रा ही है जिसको हमको काटना चाहिए, ये पूरा एक्स्ट्रा वाला हिस्सा। अब जो लोग खेतों में काम काज करते हैं, या तो औरतें हैं आटा गूंथती हैं, या जो लोग रेती बजरी सीमेंट वगैरह का काम करते हैं, तो जाहिर है कि जब वो करेंगे तो इनमें वो गंदगी आनी ही आनी है, और गंदगी अगर इनमें आ जाएगी तो फिर वजू नहीं होगी। तो अगर किसी के नाखून इतने बड़े हो जाते हैं, अभी देखिए ये मैंने एक नाखून काट लिया है, तो एक्चुअली ये वजू करते हुए ये जो हिस्सा है जहाँ से मैंने काटा हुआ है, यहाँ तक पानी आना चाहिए, और इसमें अगर आप देखेंगे तो सही से पानी वहाँ तक नहीं आएगा जहाँ तक आना चाहिए। तो इसलिए अगर किसी के नाखून इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि जिससे नाखूनों में गंदगी के लगे रहने का ख़तरा है, तो फिर ऐसी सूरत में नाखून काट लेना ही बेहतर है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जब ज़िलहिज्जा का वक्त जो है, ज़िलहिज का महीना शुरू हो गया है, तो जब तक कुर्बानी ना कर लें तब तक नहीं काटना चाहिए। याद रखिए, ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। आप काट सकते हैं जैसा कि मैं काट रहा हूँ, क्योंकि यहाँ नाखून काटने से ज़्यादा अपनी नमाज़ों की और उसकी ज़्यादा फ़िक्र ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा वज़ू ना हो, मेरा गुसल ना हो, तो इसलिए मैं नाखून काट रहा हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ ये समझ लीजिए, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि दाएं हाथ से नाखून काटना चाहिए। अब ये मेरा राइट वाला है, ये मेरा लेफ़्ट वाला है, तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि दाएं हाथ से शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो लेफ़्ट हाथ के भी काट सकते हैं जैसे मैं काट रहा हूँ। बहुत सारे लोग एक तरतीब बताते हैं कि पहले दाएँ हाथ के जो है, नहीं, दाएँ हाथ की ये जो शहादत की उंगली इससे शुरू करें, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, और फिर ये वाला लेफ़्ट वाला अंगूठा, ये और लास्ट में दाएँ हाथ वाले अंगूठे। तो बहुत सारे लोग इस तरह की तरतीब बताते हैं कि सुन्नत ये है। याद रखिए कि नाखूनों के काटने में सुन्नत तरीका कोई भी नहीं है, कोई भी सुन्नत तरीका नहीं है। यूँ काटना चाहिए, यूँ काटना चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाखून काटने का कोई भी मखसूस तरीका मरवी नहीं है। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि लोगों में जो तरीका मशहूर है कि पहले यूँ काटे फिर वूँ काटे, सब गलत है। आदमी को जैसे सहूलत हो, जिस तरीके से वो काटना चाहे, तो उस तरीके से काटे जा सकते हैं। तो ये बात अच्छे तरीके से याद रख लीजिए कि नाखून काटने का कोई मखसूस तरीका नहीं है, कैसे भी काटे जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ज़िलहिज का महीना शुरू होने के बाद जिन लोगों का कुर्बानी करने का इरादा हो, तो वो नाखून नहीं काट सकते, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अब चूंकि मुझे इससे पहले मौका नहीं मिला और अभी मेरे नाखून इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि मुझे लग रहा है कि इनको काटना ज़रूरी है, इनको काट लेना चाहिए, तो नाखून का भी यही मसला है, बालों का भी यही मसला है। दूसरी बात ये भी है कि नाखून जब बड़े बड़े हो जाएं तो खाने पीने में कभी कभी उलझन होने लगती है, क्योंकि नाखून बड़े हैं तो इनके अंदर सालन अटक जाएगा और खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। और अगर खुदा ना खास्ता बड़े नाखून के साथ कान में खुजाने लगें, खुजली करने लगें, तो कान अंदर से ज़ख्मी हो सकता है, क्योंकि नाखून जो है ना उसमें धार जैसी होती है, बहुत शार्प होता है, तो नाखून खुजाया बड़े उसके साथ में, तो फिर ये हो सकता है कि जो है उसे कान वगैरह ज़ख्मी हो जाए। तो इसलिए ये देखिए, ये हिस्सा ऐसा है कि यहाँ तक पानी पहुँचना चाहिए। अगर जैसे मेरे नाखून बड़े थे, ये देखिए ये वाला नाखून बड़ा है, तो अगर यहाँ मेरा कुछ अटक गया है और वजू करते हुए गुसल करते हुए पानी नहीं पहुँचा, कहाँ तक, यहाँ तक, ये देखिए जो हिस्सा कटा हुआ है, तो अगर यहाँ तक पानी नहीं पहुँचा तो याद रखिए कि फिर आपका वजू और गुसल सही नहीं होगा। तो ये मैं प्रैक्टिकली इसीलिए करके बता रहा हूँ कि चूँकि मुफ्ती हूँ लोग समझते नहीं हैं, तो प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ कि देखो भाई, मैं भी काट रहा हूँ और वो मैंने आपको दिखाई दिया है कि आज ज़िलहिज्जा की कौन सी तारीख है, ज़िलहिज का महीना शुरू हो गया है, मगर फिर भी मैं काट रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत है। तो अगरचे ना काटना बेहतर है, और उसका तरीका ये है कि आप ज़िलहिज के महीने को शुरू होने से पहले पहले ही बाल नाखून वगैरह काटने से फारिग हो जाएं। आपको जितना भी कटवाना है तो काट लें, ताकि इस तरह की नौबत ना आए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक के साथ ऐसा हो। अब मुझे फुर्सत नहीं मिली, मुझे मौका नहीं मिला कि मैं ज़िलहिज के शुरू होने से पहले पहले नाखून काट लेता, बाल वगैरह काट लेता, मौका नहीं मिला, मसरूफियत ऐसी रही थी, तो इसलिए मुझे अब काटना पड़ रहा है, चूँकि मुझे लगता है कि ये ऐसे मौके पे काटना ज़रूरी है। अगर मैं नहीं काटूँगा
तो हो सकता है कि ये कराहत के अंदर शामिल हो जाए और हो सकता है कि मेरी नमाज वगैरह का मसला हो जाए, तो इसलिए मैं ये नाखून वगैरह इसीलिए मैं काट रहा हूँ। तो बस यही मसला आप लोगों को बताना था कि अगर किसी को ज़रूरत पड़े ज़िलहिज का महीना शुरू होने के बाद भी कुर्बानी से पहले पहले, भले ही मेरा भी कुर्बानी करने का इरादा है, लेकिन नाखून काटने की गुंजाइश है, इजाज़त है। अगरचे बेहतर वही है, मुस्तहब वही है कि ना काटे तो अच्छा है, लेकिन बवक्त ज़रूरत काटे भी जा सकते हैं। तो बस यही मसला बताना था, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ये प्रैक्टिकली मैं आपको इसीलिए करके दिखा रहा हूँ। बहुत सारे लोग गलत फहमी के अंदर मुबतला हो जाते हैं। ऐसे ही एक बंदा लोगों में मशहूर है कि काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तो उसके लिए भी मैंने प्रैक्टिकली फिर एक बाकायदा मैंने काला ब्लैक अपना कपड़ा बनवाया और जोड़ा बनवाया, और फिर उसी में मैंने मसला रिकॉर्ड किया और लोगों को समझाया कि देखिए अगर काला कपड़ा पहनना नाजायज़ होता तो मैं खुद ना सिलवाता। तो ये काला जोड़ा मैंने इसलिए सिलवाया है ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि काला कपड़ा पहनना भी जायज़ है। हाँ, शियाओं के जो अय्याम मखसूस हैं, जो ख़ास दिन हैं, उनमें नहीं पहनना चाहिए ताकि उनसे मुशाबहत ना हो, बाकी आम दिनों में काला कपड़ा पहनना जायज़ है। तो ये मसला इस तरह का है, इसका है ज़िलहिज में नाखून काटने का है कि काटना जायज़ है, अगरचे बेहतर वही है, लेकिन ज़रूरत के मौके पर काट सकते हैं। ठीक है, तो बस ये मसला बताना था, उम्मीद समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।